मूल संकल्पना या फिर मूल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोल और MOL मोल के अंतर को समझ लेते हैं। दो शब्द है ना। जब हम आधारभूत इकाइयां पढ़ रहे थे तो हमने पदार्थ की मात्रा के मात्रक के रूप में क्या देखा था, मोल, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर मोल को क्या लिख रहे हैं, MOLE, है ना। तो जो पढ़ने के लिए हम लोग मोल शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम मात्रक के रूप में प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले मोल शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोल संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो मोल को अगर साधारण से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मोल होता है किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में कणों की जितनी भी संख्या है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं मोल, ठीक है। अब ये कण किस किस रूप में होते हैं पदार्थ में, तो कण होते हैं आपके परमाणु के रूप में, है ना, या फिर अणुओं के रूप में, या फिर आयनों के रूप में, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनों के रूप में, या किसी भी अन्य रूप में। जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ में, उन सभी की संख्या क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। नहीं समझ में आया तो उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक दर्जन मूंगफली चाहिए, वैसे मूंगफली तो आप किलोग्राम या ग्राम में तोलते हैं, है ना, लेकिन समझने के लिए ले लेते हैं, मुझे चाहिए एक दर्जन मूंगफली, तो आप मुझे कितनी मूंगफलियों के दाने देंगे? आप मुझे दे देंगे 12 मूंगफली के दाने, है ना, इतने ही तो देंगे एक दर्जन में, ठीक है। या फिर ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल से अगर हम समझें, तो आप जब फल लेने जाते हो, आपको केले लेने हैं एक दर्जन, है ना, तभी तो आप बोलते हो कि एक दर्जन केले दे दीजिए। तो एक दर्जन केले में आपको फल वाला कितने केले देता है, वह आपको देता है 12 केले, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जहां पर भी एक दर्जन की बात होगी वहां पर 12 वस्तुओं की बात हो रही होगी, है ना। उसी प्रकार से कुछ मोल भी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ा और हमें मालूम है कि जो पदार्थ होते हैं वे कणों से मिलकर बने होते हैं, और कण बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तक भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि परमाणु है, अणु है, इतने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, वैसे ही एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 × 10³ कण। अब देखिए, जिस प्रकार से हम अभी तक परमाणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसके सापेक्ष निकाल रहे थे, कार्बन 12 से तुलना करके निकाल रहे थे ना, उसी प्रकार से जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो ये भी कार्बन से तुलना करके ही हमें प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कैसे। कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, ठीक है। वहीं कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जब गणना की जाती है ना, तो हमें कितना प्राप्त होता है ये लिख लेते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ये बराबर हो जाता है 1.9924 × 10⁻²³ ग्राम के, ठीक है। अब हमें देखना है कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हमें इसकी गणना करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड करना है या फिर भाग देना है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमको मालूम है, हमें इस पर पुट कर देनी है, इनकी वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान है 12 ग्राम अपॉन कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 1.9924 × 10⁻²³ ग्राम, ठीक है। अब देखिए, ग्राम
यहाँ पर न्यूमरेटर में भी है, अंश में भी है, हर में भी है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह किस में आ जाएगी, वह संख्या में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6.022 × 10³। किस में आ गई वैल्यू, संख्या में आ गई, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या ही तो निकालनी है 12 ग्राम कार्बन में। तो आप समझे कि कार्बन के 12 ग्राम में, है ना, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10³ होती है। और यही कहती है हमारी मोल संकल्पना या फिर मोल कॉन्सेप्ट। इसमें कहा जाता है कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 6.022 × 10³ परमाणु होते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 6.022 × 10³³ परमाणु होते हैं। और किसी पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु हो जाएंगे, 6.022 × 10³ अणु हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है, 6.022 × 10³। ये जो संख्या है ना, ये होती है एवोगैड्रो संख्या, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, और इसको किससे अभिव्यक्त किया जाता है, इसे अभिव्यक्त किया जाता है एन अथवा एन ए से। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, साथ ही साथ नोट भी करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अभिव्यक्त किससे किया जाता है, एन या फिर एन ए से। ये ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। तो एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10³। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि किसी पदार्थ में जो एवोगैड्रो संख्या होती है या एवोगैड्रो संख्या के कणों को ही मोल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछे कि एक मोल कार्बन परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, साथ ही साथ लिख भी लेते हैं। तो एक मोल कार्बन परमाणु में कितने परमाणु हो जाएंगे, आपको मालूम है एक मोल की जहां पर बात चल रही है, परमाणुओं, अणुओं या किन्हीं भी कणों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए एक मोल में, तो कितने होंगे, 6.022 × 10³³ परमाणु। ठीक है, वहीं अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक मोल ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं या एक मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बताइए, तब आप कितना बताएंगे, सेम ही चीज बताएंगे कि 6.022 × 10³ अणु। ठीक है, या फिर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तब आप क्या कह सकते हो, तब भी आप सेम ही आंसर दोगे। आप क्या बोलोगे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में 6.022 × 10³ इलेक्ट्रॉन्स संख्या के रूप में मौजूद होते हैं। तो आप समझे, कहीं पर भी एक मोल की अगर बात आए तो वहां पर उसमें जो नंबर्स होंगे, कोई भी कण हो, चाहे परमाणु हो, अणु हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ भी हो, वहां पर 6.022 × 10³³ की संख्या के रूप में वे कण मौजूद होंगे। जैसे कि एक दर्जन में हमेशा 12 ही वस्तुएं होती हैं, वैसे ही। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि इस मोल संकल्पना की हमें आवश्यकता पड़ी ही क्यों, क्या हम कणों को गिन नहीं सकते थे, क्या हम इलेक्ट्रॉन्स गिन नहीं सकते, क्या हम परमाणु की संख्या नहीं काउंट कर सकते, या फिर क्या हम अणुओं की संख्या नहीं काउंट कर सकते। तो ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ में जो परमाणु और अणु होते हैं, आपको पता है ना कि वे क्या होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, है ना, परमाणु और अणु आकार में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो अगर आपसे इन्हें काउंट करने के लिए बोला जाए तो क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो। अच्छा, ये तो छोड़िए, अब देखिए, अगर आपके पास मूंगफली है, ठीक है, आपसे मैं बोलूं कि एक मूंगफली का दाना तोड़िए या पीसिए, ठीक है, और उसमें से जो कण निकल रहे हैं उन्हें काउंट कीजिए, तो क्या आप उन्हें काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। पीसने के बाद जो कण मिल रहे हैं उन्हें काउंट करने की बात तो दूर, क्या आप इन्हें काउंट करोगे, आप ये
किस रूप में मापते हो इन्हें? आप बोलते हो कि 1 kg मूंगफली या कुछ ग्राम मूंगफली या 2 किलो मूंगफली, है ना? आप इन्हें काउंट करके तो नहीं खरीदते हो, है ना? तो इसका मतलब है जब आप इतने बड़े दिखने वाले जो कण हैं, है ना, उन्हीं को काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के जो कण होते हैं परमाणु या अणु के रूप में, क्या उन्हें काउंट कर सकते हो? मूंगफली की बात छोड़िए, अब देखिए आपके घर में कोई कांच का गिलास टूट जाए तो ये कांच के जो टुकड़े हैं इनको आप काउंट कर पाओगे? अब सोचिए उसमें कोई बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आपको दिखते भी नहीं है, आप उन्हें भी काउंट नहीं कर पाते, ठीक है? वही देखिए आपके घर में चीनी होती है, नमक होता है, उनके क्रिस्टल्स को क्या आप काउंट करते हो, गिनते हो कि कितने चीनी के कण हैं या कितने चीनी के क्रिस्टल्स हैं? नहीं करते हो ना, उनको तो आप मापते हो, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। तो इसी प्रकार से जब इतने जो हमें दिख जा रहे हैं ऐसे कणों को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सोचिए क्या हम परमाणु और अणु के आकार के जो छोटे 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 कण हैं उन्हें काउंट कर पाते? नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें हम मोल के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और हम लोगों ने कुछ संख्या की गणना कर ली है कि 1 मोल की जहां पर भी बात होगी, किसी भी पदार्थ की वस्तुओं की बात होगी, वहां पर हम बोलेंगे कि 1 मोल में हमेशा 6.022 × 10³³ क्या होते हैं, वस्तुएं होती हैं या कुछ संख्या होती है किसी भी चीज की या किन्हीं भी कणों की। फिर चाहे वह 1 मोल हाथी में कणों की संख्या हो या फिर 1 मोल मूंगफली में कणों की संख्या हो, 1 मोल कार्बन में कणों की संख्या हो या 1 मोल ऑक्सीजन में कणों की संख्या हो, वो हमेशा सेम ही रहेगी। और इस संख्या को ही क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या भी बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अभी तो आप बता सकते हैं कितनी होती है, जहां पर भी 1 मोल की बात चल रही है वहां पर हमेशा संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10³³ परमाणु, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या कर देंगे, 3 × 6.022 × 10³³ परमाणु, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.81 × 10⁴ परमाणु, ठीक है? तो ये हो गया कि अगर आपके पास 1 मोल में किसी भी तत्व के या पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की संख्या है तो आप उससे अधिक मोल में उसके परमाणुओं या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? ये सॉल्व करना तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इसको मैं आपको एक बार ढंग से सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये 10⁴ किस प्रकार से आया। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ गई, 18.066 × 10³³ परमाणु, ठीक है? अब हमें क्या करना होता है, n × 10⁴ के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो हमें इस पॉइंट को इधर किधर बाई तरफ शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 1 मान बढ़ा देंगे, ठीक है? 1 जोड़ देंगे और धनात्मक ही रहेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 1.8, ठीक है? अब देखिए ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है? तो इसके बाईं तरफ वाले नंबर में हम 1 जोड़ देंगे अगर हमें इसको हटाना है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, 1.81 × 10⁴ परमाणु, ठीक है? तो आप समझ गए कि मोल क्या होता है और मोल संकल्पना की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है। तो अब हम साथ ही साथ एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने परमाणुओं की संख्या ज्ञात की, हम अगले क्वेश्चन में अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम बाकी के न्यूमेरिकल्स आने वाले लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो ये समझने के लिए है केवल, देखिए ऑक्सीजन के 0.20 मोल अणु में हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप लोगों को एक चीज मालूम है कि ऑक्सीजन अणु के 1 मोल अणु में कितनी संख्या में अणु होंगे, कितने होंगे, 6.022 × 10⁔ अणु, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? तो बताइए कि 0.20 मोल अणु में कितने अणुओं की संख्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के 0.20 मोल अणु बराबर कितने के हो जाएगा, 0.20 इंटू
6.022 × 10³ के, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.205 × 10³ अणु, ठीक है, या फिर 1.205 × 10³ अणु। तो 0.20 मोल अणु में ऑक्सीजन के कितने अणुओं की संख्या है? 1.205 × 10³ अणु। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया मोल कॉन्सेप्ट को या मोल संकल्पना को। अगले लेक्चर में हम एक और टर्म की बात करेंगे, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। फिर उसके बाद हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस मोल संकल्पना से संबंधित। तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और रिविजन करते रहिए। आज हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान या फिर मोलर मास की। इससे पहले के लेक्चर में हमने जाना था कि मोल क्या होते हैं और एक मोल में कितनी संख्या में कण होते हैं। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10³ संख्या। अब वह संख्या कणों की हो सकती है, किसी भी कण की, चाहे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, किसी की भी संख्या, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। और इसी का क्या नाम होता है? इसी संख्या को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर या फिर अवोगाड्रो संख्या, ठीक है। और इसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? या तो हम इसको लिखते हैं एन, कैपिटल एन, या फिर हम इसको लिखते हैं एन ए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, मोलर द्रव्यमान बहुत ही इजी टर्म है, इसको समझिए कि किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो मोलर द्रव्यमान है, ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान है, वह संख्यात्मक रूप से या संख्या के रूप में परमाणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान या फिर सूत्र द्रव्यमान के ही जितना होता है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये? संख्या में ये आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या फिर सूत्र द्रव्यमानों के ही जितना होगा। बस इसे ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें H2O या फिर जल का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो ये आप कैसे निकालते हैं? H2O में दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यानी कि 2 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 ग्राम, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 18.02 ग्राम, है ना, जो कि इस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की ही बराबर है संख्यात्मक रूप में। तो आप समझ गए मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोल का कॉन्सेप्ट भी हम समझ गए, ठीक है। तो इसको एक चार्ट के रूप में हम बनाते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार नोट कर लेते हैं। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10³ कणों के, है ना, या फिर इन कणों में क्या क्या आ सकते हैं? परमाणु या फिर अणु, ठीक है। तो कुछ भी कण है वह एक मोल में कितनी संख्या के बराबर है? 6.022 × 10³। एक बात जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी वह भी जान लीजिए कि सामान्य ताप अथवा दाब की अवस्थाओं में अर्थात NTP पर 22.4 लीटर गैस या फिर मोलर आयतन, ठीक है, ये बराबर होता है एक मोल के। तो कहीं क्वेश्चन में अगर एक मोल में आयतन से संबंधित कुछ आए तो आपको ये याद होना चाहिए कि सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं में 22.4 लीटर गैस एक मोल के बराबर होती है। जैसे कि संख्या के रूप में 6.022 × 10³ कण एक मोल में शामिल होते हैं, ठीक है। तो हमने इधर साइड जो ये संख्या लिखी है कणों की, ये किसमें है? कणों के पदों में, ठीक है। और दूसरी साइड हमने किस में लिखा है? ये हमने लिखा है आयतन के पदों में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, इनको साथ ही साथ आप याद भी करते चलिए इनके नंबर्स, ठीक है। और ये गैसीय आयतन वाला या फिर मोलर आयतन वाला, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम द्रव्यमान के पदों में लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं द्रव्यमान के पदों में, तो एक मोल किसके बराबर होता है तो देखते हैं। तो देखिए, चाहे तत्व का 1 ग्राम परमाणु हो, ठीक है,
या फिर पदार्थ का 1 ग्राम मोल हो, तो यहां पर लिख लीजिए तत्व का 1 ग्राम परमाणु या फिर पदार्थ का 1 ग्राम मोल, ठीक है, या फिर पदार्थ का 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये सभी बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप समझे, 1 मोल की जहां पर बात आएगी तो वह बराबर होगा तत्व के 1 ग्राम परमाणु के, बराबर पदार्थ के 1 ग्राम मोल के, बराबर पदार्थ के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान के, बराबर अगर उसे आयतन के पदों में लिखें तो 22.4 लीटर गैस या मोलर आयतन के, और ये सभी किसके बराबर होंगे, 6.022×10³³ संख्या के बराबर होंगे, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक तो हो गया खत्म, लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, और न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें कुछ बेसिक से सूत्र पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एक करके कुछ छोटे छोटे से जो फॉर्मूले है ना, जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, उनको नोट कर लेते हैं। तो इसमें पहला सूत्र है m=M(n). यहाँ पर जो स्मॉल m है वह है दिया गया द्रव्यमान पदार्थ का, ठीक है। जो कैपिटल m है वह क्या है, वह तो मोलर द्रव्यमान है, और जो स्मॉल n है यह है मोलों की संख्या, ठीक है। अभी इनके जो ये प्रतीक है ना, इनके नाम हम लोग इधर साइड लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक साथ फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला है इसमें, n=n(N0) या n₀/nA, ठीक है। तो इसमें जो ये स्मॉल n है ये है मोलों की संख्या, और जो ये n₀ है ये दिए गए कणों की संख्या है, और nA तो आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो n की इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट कर दोगे तब एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, small m=M(n₀/nA। तो इन सारे सूत्रों के आधार पर ही आप अपने न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप एक एक करके ये जो हमने यहाँ पे प्रतीक लिखे हैं इनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्मॉल m है यह क्या दर्शा रहा है, ये जो पदार्थ होगा ना उसका द्रव्यमान जो आपको दिया जाएगा, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान। आपको क्वेश्चन में कहीं पर द्रव्यमान दिया होगा तो यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो कैपिटल m है ये दिखाता है मोलर द्रव्यमान को, ठीक है, ये तो अभी हमने बात भी की थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो स्मॉल n है वह क्या दिखाता है, स्मॉल n दिखाता है मोलों की संख्या, और जो n₀ है वह क्या दिखाता है, n₀ बताता है कणों की संख्या, ठीक है। दिए गए जो कणों की संख्या होगी आपके क्वेश्चन में वो आप यहां पर पुट करोगे, ठीक है, तो कणों की संख्या। और जो nA है वह क्या दिखाता है, वह होता है एवोगैड्रो नंबर या फिर अवोगैड्रो संख्या, जो कितनी होती है, 6.022×10³³, ठीक है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी के न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि 92.9 ग्राम फास्फोरस में फास्फोरस के मोलों की संख्या, यह मानते हुए ज्ञात करें कि फास्फोरस का अणु सूत्र P4 है, फास्फोरस के नमूने में उपस्थित परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है, क्या क्या, एक तो मोलों की संख्या, साथ ही साथ परमाणुओं की संख्या, और साथ ही साथ अणुओं की संख्या। तो एक एक करके हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, फास्फोरस के मोलों की संख्या, है ना, तो लिख लेते हैं इसको, फास्फोरस में मोलों की संख्या, ठीक है। अब मोलों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक तो मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है, अणु सूत्र है क्या, P4, ठीक है। और हमें पता होनी चाहिए फास्फोरस का द्रव्यमान, जो कि हमें दिया गया है 92.9 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम कौन से वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान है अपने पास, और अपने पास क्या है, मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये वाला, हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या, n निकालना है। तो हमारे पास कैपिटल m और स्मॉल m दोनों की ही वैल्यूज हैं, ठीक है, थीके? तो लिख लेते हैं, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं P4, फास्फोरस का हमें क्या दे रखा है, अणुसूत्र P4 के रूप में, ठीक है। तो हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो यानी कि
फॉस्फोरस अर्थात P4 के रूप में इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? फॉस्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? वह होता है 31 ग्राम, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 4 × 31 ग्राम, ठीक है? तो ये इक्वल्स टू हो गया 124 ग्राम के, ठीक है? साथ ही साथ हमें दिया गया है फॉस्फोरस का द्रव्यमान, जो कि कितना है? ये है 92.9 ग्राम, ठीक है? तो इसलिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? मोलों की संख्या हो जाएगी किसके बराबर? लिख लेते हैं, मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर हो जाएगी फॉस्फोरस का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m अपॉन फॉस्फोरस का मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल m, ठीक है? तो ये इक्वल हो जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? स्मॉल m की वैल्यू है 92.9 ग्राम, ठीक है? अपॉन मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान है 124 ग्राम, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.75। किसमें क्या निकाल रहे हैं हम? मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो इतने मोल, ठीक है? तो इसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम निकालेंगे इसके लिए अणुओं की संख्या, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं फॉस्फोरस में अणुओं की संख्या। ये कैसे निकालेंगे अब आप? आपको पता है एक मोल में कितने अणु होते हैं, है ना? तो एक मोल फॉस्फोरस में यानी कि P4 जो अणु सूत्र दिया गया है हमें, उसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जहां पर भी एक मोल की बात आती है वहां कितनी संख्या होती है? 6.022 × 10⁻²³ अणु, ठीक है? अब हमें कितने ग्राम फॉस्फोरस के लिए निकालने हैं ये अणुओं की संख्या? तो कितने मोल्स हैं हमारे पास? हमारे पास है 0.75 मोल। तो हम लोग लिखेंगे कि 0.75 मोल किसके लिए? फॉस्फोरस, जिसका अणु सूत्र P4 दिया गया है, इसमें अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 0.75 × 6.022 × 10³³ अणु के, ठीक है? और इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.52 × 10⁻²³ अणु, ठीक है? तो आप लोगों ने फॉस्फोरस, जिसका अणु सूत्र P4 दिया गया था, उसमें अणुओं की संख्या भी ज्ञात कर ली। अब नेक्स्ट काम क्या बचा है? इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है? तो फॉस्फोरस में परमाणुओं की संख्या, इसको याद करते हैं। इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो देखिए, फॉस्फोरस का एक अणु जो हमें दिया गया है या फिर अणु सूत्र जो हमें दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि एक अणु P4 में परमाणुओं की कितनी संख्या है? इसमें कितने फॉस्फोरस के परमाणु हैं? 4 ही तो है, तो आप लिख देंगे 4, ठीक है? फिर हमको क्या निकालना है, कितने अणु हैं अपने पास? 4.52 × 10⁻²³ अणु है, तो हमें इतने अणुओं में ही फॉस्फोरस के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं, 4.52 × 10⁻²³ अणु P4 है ना, अणु सूत्र क्या है? P4 ही तो है, इतने में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इतने में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 × 4.52 × 10⁻²³। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 18.08 × 10⁻²³, ठीक है? इसको अगर आप n × 10⁻N के रूप में लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? आपको क्या चाहिए होता है? यहाँ पर दशमलव से पहले एक अंक चाहिए होता है, तो आपको ये वाला दशमलव बाई तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं 1. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 × 10⁻ क्योंकि एक स्थान आपने पीछे खिसकाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24, तो इतने परमाणु, ठीक है? तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया कि जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें किस प्रकार से हम लोगों ने मोलों की संख्या निकाली, उसके पश्चात अणुओं की संख्या निकाली और उसके पश्चात परमाणुओं की संख्या ज्ञात की, ठीक है? अब अगले लेक्चर से हम और सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर से और इस टॉपिक से रिलेटेड।
ठीक है, तो तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए और इसको रिविजन करते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूले भी याद करते रहने हैं, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं मोल संकल्पना या फिर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक फ्लास्क पी में 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो दूसरे फ्लास्क क्यू में 0.4 मोल ओजोन गैस है। अब इन दोनों ही फ्लास्कों में से किस में ऑक्सीजन परमाणु अधिक होंगे, ये हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज तो पहले पता होनी चाहिए कि एक मोल में कितने कण होते हैं। एक मोल में 6.022 × 10²³ संख्या में कण होते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या, है ना। तो हम सबसे पहले एक चीज यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एक अणु ऑक्सीजन, तो देखिए एक अणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है, या अणु ऑक्सीजन के अणु को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, O2, है ना। तो एक अणु ऑक्सीजन में कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, इसमें है ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ठीक है, ये हमको चाहिए होगा अभी, इसीलिए नोट कर रहे हैं। और एक अणु ओजोन में कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है, ये होता है O3, ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें है ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। अब हम एक एक करके इन दोनों ही फ्लास्क में चेक करेंगे कि किस में ऑक्सीजन के परमाणु अधिक है। सबसे पहले हम फ्लास्क पी में चेक करते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक बात तो जानते ही है कि एक मोल ऑक्सीजन गैस में कितने अणु हो जाएंगे, हम लोगों ने इस बारे में काफी बार बात की है ना। तो एक मोल का मतलब ही क्या होता है, 6.022 × 10³ अणु, ठीक है, तो इतना हो गए एक मोल ऑक्सीजन गैस में अणु, ठीक है। अब हमें चाहिए कि 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने परमाणुओं की संख्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने परमाणु हो जाएंगे, 0.5 गुणा कितने परमाणु है एक अणु ऑक्सीजन में, 2 परमाणु है, तो 2 गुणा कौन सा नंबर, एक मोल में जितने भी अणु हैं, 6.022 × 10²³ क्या हो जाएंगे, परमाणु, ठीक है। अब देखिए 0.5 2 से गुणा होने पर क्या बन जाएगा, 1.0 गुणा 6.022 × 10²³ परमाणु, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा कितने के, 6.022 × 10³ परमाणु के। तो ये तो हो गया आपके फ्लास्क पी में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है किसमें, फ्लास्क क्यू में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ा दिया है मैंने। अब देखिए अब हम किसमें निकालेंगे, फ्लास्क क्यू में, ठीक है, तो फ्लास्क क्यू में हमें निकालनी है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक मोल ओजोन गैस में कितने अणु होंगे, एक मोल, जहां पर भी एक मोल आ रहा है इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 × 10²³ अणु के बराबर, ठीक है। अब हमें प्राप्त करना है 0.4 मोल ओजोन गैस के लिए, तो 0.4 मोल ओजोन गैस में कितने परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो आप क्या करेंगे, 0.4 से तो गुणा करोगे ही करोगे, और हमको ओजोन में पता है कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, गुणा एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या, तो इससे हमने इसको गुणा कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.23 × 10²³ परमाणु, ठीक है। तो आपने देख लिया फ्लास्क पी में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 6.022 × 10³ परमाणु, और फ्लास्क क्यू में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 7.23 × 10³ परमाणु।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्लास्क क्यू में फ्लास्क पी से अधिक ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लिया कि फ्लास्क क्यू में फ्लास्क पी से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होंगे। अब करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 143 ग्राम धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसमें प्रत्येक प्रकार मतलब सोडियम के, कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए धावन सोडा का। ठीक है, ताकि हम ग्राम मोलों की संख्या ज्ञात कर पाए किसके 143 ग्राम धावन सोडा में। और फिर हम उसका यूज किस में करेंगे? उसका यूज हम लोग करेंगे इन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए। तो धावन सोडा का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा किसके? देखिए इसमें जितने भी परमाणुओं की संख्या है उनके द्रव्यमानों के योग के, है ना। तो सोडियम के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? 23 ग्राम। ठीक है, प्लस कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 16 ग्राम। ठीक है, प्लस जो जल का अणु है या फिर H2O है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम के बराबर होता है। और हम क्या कर सकते हैं? 10 × 18। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 46 + 12 + 48 + 18 × 180। ठीक है, और जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका सम करके आंसर आ जाएगा 286 ग्राम। तो धावन सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O का मोलर द्रव्यमान हो गया 286 ग्राम। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि 286 ग्राम धावन सोडा किसके बराबर है? 1 ग्राम मोल के। यही तो होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना। ये सब किसके बराबर है? 1 ग्राम मोल के बराबर है। और यहाँ पर कितना मोलर द्रव्यमान है? 286 ग्राम मोलर द्रव्यमान है। किसका? धावन सोडा का। ठीक है, तो जब 286 ग्राम धावन सोडा बराबर है 1 ग्राम मोल के, तो 1 ग्राम धावन सोडा किसके बराबर हो जाएगा? 1/286 ग्राम मोल के, है ना। तो जब 1 ग्राम धावन सोडा बराबर है 1/286 ग्राम मोल के, तो 143 ग्राम धावन सोडा किसके बराबर होगा? 1/286 × 143 ग्राम मोल के। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितनी वैल्यू आती है? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 ग्राम मोल। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू याद रखनी है या ये वाली वैल्यू को अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि ये अब हमें आगे चाहिए। ठीक है, तो 143 ग्राम धावन सोडा में कितने ग्राम मोल है? 0.5 ग्राम मोल है। अब हम एक एक करके विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे सोडियम के परमाणुओं की संख्या। 1 ग्राम मोल धावन सोडा में सोडियम परमाणु कितने होंगे? 1 मोल में कितने परमाणु हो सकते हैं? 6.022 × 10³³ परमाणु। और धावन सोडा के सूत्र में सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी थी? 2 थी। ठीक है, तो इतने परमाणु। अब हमें ज्ञात करना है कितने के लिए? 0.5 ग्राम मोल के लिए सोडियम परमाणु की संख्या। तो हम क्या करेंगे? 0.5 या 0.5 × 2 × 6.022 × 10³³ परमाणु। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6.022 × 10³³ परमाणु। ठीक है, तो ये तो हो गई सोडियम परमाणुओं की संख्या किसमें? 143 ग्राम धावन सोडा में। ठीक है, अब दूसरा हम लोग निकालते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या 143 ग्राम धावन सोडा में। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मोल
धावन सोडा में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10³ परमाणु ही होगी, है ना, क्योंकि धावन सोडा में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी? एक ही तो परमाणु है कार्बन का, ठीक है। तो 1 ग्राम मोल धावन सोडा में कार्बन परमाणु कितने हो गए? 6.022 × 10³ परमाणु, ठीक है। अब हमें कितने ग्राम के लिए चाहिए? हमें 0.5 ग्राम मोल धावन सोडा में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 0.5 ग्राम मोल धावन सोडा में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5 × 6.022 × 10³ परमाणु। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.011 × 10³ परमाणु, ठीक है। तो हमने सोडियम और कार्बन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली 143 ग्राम धावन सोडा के लिए, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इस धावन सोडा का जो ये सूत्र है इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, कितने हैं? देखिए, 3 तो ये हो गए, ठीक है, और 10 ये हैं, तो कितने हो गए टोटल? 13। तो इसका क्या मतलब है, हम लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम मोल धावन सोडा में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 × 1 मोल में कितनी संख्या में परमाणु होते हैं? 6.022 × 10³ परमाणु, ठीक है। हमको कितने के लिए निकालना है? हमें निकालना है 0.5 ग्राम मोल के लिए। तो 0.5 ग्राम मोल धावन सोडा में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5 × 13 × 6.022 × 10³ परमाणु, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.914 × 10²⁴ परमाणु, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी निकाल ली 143 ग्राम धावन सोडा में। अब हमें ज्ञात करना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 143 ग्राम धावन सोडा में। तो 1 ग्राम मोल धावन सोडा में हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? पहले तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो 10²⁰ हो गई, ठीक है। 20 × 1 मोल में कितनी संख्या में परमाणु होते हैं? 6.022 × 10²³ परमाणु, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कितने के लिए? 0.5 ग्राम मोल धावन सोडा में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो क्या करेंगे? 0.5 × 20 × 6.022 × 10³ परमाणु, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.022 × 10²⁴ परमाणु, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया था कि धावन सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O के 143 ग्राम के लिए कितने परमाणु उपस्थित होंगे इन सभी तत्वों के, और हमने सभी के लिए इनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर दी। तो इतना समझ गए आप लोग, आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।